हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी का 4 मार्च को जो इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, उसमें आप सभी को आर्टिकल लिखने के लिए आता है। ये आर्टिकल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 6 मार्च को आएगा। तो फ्रेंड्स, जितने भी छात्र क्लास 10 के हैं और जिनका पेपर 4 मार्च को है, तो इस वीडियो को आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा। आप सभी को इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बताने वाले हैं जो आपको 4 मार्च के बोर्ड के एग्ज़ाम में ये आर्टिकल देखने के लिए मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये पेपर आपके सामने है। पेपर में इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 23 नंबर पे जो क्वेश्चन है कि राइट एन आर्टिकल ऑन ए विजिट टू ए जू इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर ये 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है। और यहाँ पर देखिए आपको हिंट्स कुछ दिया रहता है। इंट्रोडक्शन, विजिट टू जू, सेंस एट द जू, ओवरऑल एक्सपीरियंस, ठीक है। इस प्रकार से आपको हिंट्स देगा, या अथवा ओ आर करके दूसरा एक आपको देता है क्वेश्चन कि राइट ए रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 से 100 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन बिलो, इसका देता है। तो दो क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन ही बोर्ड के एग्जाम में करना रहता है। ये 6 नंबर का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि आर्टिकल आप किस प्रकार से बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने आर्टिकल है ए विजिट टू ए जू। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 2022 और 2023 में कई बार रिपीट हो चुका है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है आप देखिए कितना सिंपल तरीका से लिखेंगे। देखिए आपको क्या करना रहता, पहले आप तो यही लिखेंगे हिंट्स, और ये हिंट्स आपके जो क्वेश्चन रहेगा वहीं पे आपको हिंट्स यहाँ पे कोष्टक बना के दिया रहेगा। जो यहाँ पे हिंट्स रहेगा इसी जो आपको हेडिंग बनाना है, और यही हेडिंग बना के इसी के बारे में आपको दो दो तीन तीन लाइन लिखना रहता है। तो यहाँ पे देखिए आपको इंट्रोडक्शन दिया है, विजिट टू जू, सेंस एट जू, और इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा उसके बारे में आपको लिखना रहता है। अब देखिए आप हेडिंग बनाइएगा पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन जब हेडिंग बनाएंगे तो देखिए यहाँ इंट्रोडक्शन के बारे में आप विजिट टू जू, मतलब जू मतलब होता है चिड़ियाघर, यानी चिड़ियाघर के बारे में आपको एक दो लाइन पर इंट्रोडक्शन लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लास्ट संडे ना, लिखेंगे लास्ट संडे आई विथ माय फ्रेंड्स वेंट टू विजिट दिल्ली जू, इट इज प्रगति मैदान, ठीक है। मतलब कि पिछले संडे मैं और अपने मित्रों के साथ दिल्ली के जो चिड़ियाघर वहाँ पे गए थे, इट इज़ प्रगति मैदान, ठीक है। तो यह प्रगति मैदान है, ठीक है, प्रगति मैदान में है। तो इस प्रकार से आप मतलब अपने शब्दों में एक दो लाइन लिख देंगे। इंट्रोडक्शन हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना रहता है, जितना हेडिंग दिया रहता है वो आप इंट्रोडक्शन देख दिए, लिख दिए। फिर इसके बाद देखिए विजिट टू ए जू, अगला हेडिंग बनाएंगे। ये आपको हेडिंग जो दिया रहता है सब क्वेश्चन में स्वयं दिया रहता है ना। अगला क्या है कि विजिट टू जू, यानी कि आप चिड़ियाघर को देखे हैं तो उसमें क्या देखे हैं और कैसे गए हैं, ये आप अपने शब्दों में लिखेंगे। देखिए बहुत छोटा सा सिंपल सा आप लोगों को लिखे हैं, एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आप आर्टिकल आसानी से बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। देखिए विजिट टू द जू लिखेंगे, वी बाट, ठीक है, वी बाट टिकट, यानी हमने टिकट खरीदा। देखिए कितना सिंपल तरीका से छोटे छोटे शब्दों में करके लिखा गया है यहाँ पे, वी बाट टिकट यानी हमने टिकट खरीदा, एंड वेन इनसाइड, और उसके बाद हमने अंदर गया, ठीक है। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब यह बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। यह होगा विजिट टू जू के बारे में, दो लाइन लिख दिए, ठीक है। फिर आगे देखिए आप कैसे लिखना है। देखिए तीसरा आप हेडिंग बनाइएगा कि सेंस एट जू, जू के बारे में क्या आपका सेंस है, लिखेंगे वी सा सम एनिमल्स, यानी हमने बहुत सारे कुछ एनिमल्स देखे, वी सा सम एनिमल यानी हमने कुछ एनिमल्स देखे, एंड बर्ड्स इन केज यानी हमने जो केज है केज में एनिमल्स और बर्ड्स देखे, ठीक है। एट फर्स्ट पहले, ठीक है, वी वेंट टू सी द एनिमल सेक्शन, हमने पहले क्या यहाँ पे गए एनिमल जो सेक्शन है उसको देखे और वहाँ पे गए, ठीक है। इस प्रकार वी सा मैनी एनिमल्स डियर सच एज लायंस टाइगर मंकी जेबरा, ठीक है। यानी हमने क्या किया कि टाइगर मंकी जेबरा लायन
ठीक है, बहुत बहुत सारे क्या देखे, एनिमल्स देख लिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, वी बिकेम वेरी हैप्पी ना टू सी मंकी जंपिंग, यानी कि हमने जो मंकी जो बंदर था जंपिंग कर रहा था उसको देखने के बाद हम बहुत खुश हुए, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा। वी रोड ऑन एलिफेंट, यानी जो एलिफेंट को मतलब कि हम लोगों ने एलिफेंट को रोड करते हुए देखा। देन वी सा द बर्ड्स सेक्शन, फिर इसके बाद हम लोग फिर देखे, देन माने तब हम लोग बर्ड्स उन पक्षियों के सेक्शन को देखा, ठीक है, जहाँ पक्षियाँ थी उनके सेक्शन को देखा। वी सा पिकाक, उसमें मतलब हम लोगों ने उसमें जैसे पिकाक देखा, पैरट देखा, ठीक है, एंड मेनी बर्ड्स, अनेक प्रकार की पक्षियाँ वहाँ पे देखा। दे आर वेरी लुक्ड वेरी नाइस, यानी कि वे बहुत अच्छे लग रहे थे और वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। ये आपका सेंस है, सेंस का मतलब ये होता है कि आप चिड़ियाघर में गए, क्या क्या देखे, कैसा आपको लगा, उसके बारे में अपने शब्दों में छोटे छोटे वाक्य करके लिखना रहता है, ठीक है। तो आप चिड़ियाघर गए, चिड़ियाघर में आप शेर देखे हैं, मंकी देखे, टाइगर देखे, जेबरा देखे, सांप देखे, जो वहाँ पे देखेंगे अपने शब्दों में छोटे छोटे वाक्य करके लिखना रहता है, आपको वहाँ पे कैसा लगा उसके बारे में आपको वहाँ पे बताना रहता है। तो इस तरह आपको आर्टिकल यहाँ पे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे अब आता है कंक्लूजन, लिखेंगे लास्ट में कंक्लूजन। वी गॉट मच जॉय टू सी द जू, यानी हम लोगों ने क्या किया कि चिड़ियाघर को देखे और बहुत आनंदित हुए, बहुत आनंदित हुए, ठीक है। द जू इज़ वेरी लवली प्लेस, यानी जो चिड़ियाघर है बहुत अच्छा प्लेस है, ठीक है, बहुत अच्छा प्लेस है। इट लाइक इट वेरी मच, यानी उसे हम लोगों ने बहुत पसंद किया। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको बोर्ड के एग्ज़ाम में इस प्रकार से आर्टिकल आपको लिखना रहता है। आर्टिकल लिखना बहुत सिंपल होता है फ्रेंड्स। देखिए इस प्रकार से आपको पेपर में तो हिंट्स दे दिया रहता है, जो हिंट्स दिया रहेगा आपको वही हेडिंग बनाना है। हेडिंग बनाने के बाद अपने शब्दों में छोटे छोटे वाक्य करके लिखना रहता है। देखिए आपको बहुत सिंपल तरीका से यहाँ लिख के बताए हैं। चलिए एक और आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए एक और आर्टिकल जो है मोबाइल फ़ोन पे आ जाए या इसके अलावा इंटरनेट पे आ जाए, तो जो यहाँ पे आर्टिकल बताने वाले हैं यही आर्टिकल आप लिख के चले आइएगा। देखिए इसके पहले आपको जो आर्टिकल बताया है चिड़ियाघर के बारे में बताया है, इसके अलावा पार्क के बारे में आता है, तो वही आर्टिकल आप लिख के चले आइएगा, आपका 100% सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल फ़ोन पे जो आर्टिकल है मोबाइल फ़ोन पे आ जाए या इसके अलावा इंटरनेट पे आ जाए या साइबर क्राइम पे आ जाए, तो जो आए आर्टिकल यदि आपका इंटरनेट से संबंधित है तो आप यही लिख के आप आ जाइएगा, 100% आपको पूरे के पूरे 6 नंबर इस पे मिल जाएगा। ये भी एक प्रकार का तब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए आपको कैसे आर्टिकल लिखना है, बहुत सिंपल तरीका से लिखा गया है। देखिए इस तरह आपको हिंट्स आपके क्वेश्चन में रहेगा, जो हिंट्स रहेगा यहाँ पे आप वही हेडिंग के तौर पे यहाँ पे पहले लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, फ़ोन कॉन्टैक्ट्स, गूगल सर्च, एंटरटेनमेंट, मोबाइल फ़ोन, शॉपिंग, साइबर क्राइम्स, इफ़ेक्ट ऑन द ब्रेन, यानी मोबाइल का या इंटरनेट का आपके दिमाग पे कैसा इफ़ेक्ट है, आप शॉपिंग कैसे करेंगे, उसका साइबर क्राइम क्या है, मोबाइल फ़ोन का यूज, फिर इसके बाद एंटरटेनमेंट आप कैसे करेंगे, गूगल सर्च क्या है, फ़ोन कॉन्टैक्ट क्या है, इसको अपने शब्दों में छोटे छोटे वाक्य करके लिखना है। चलिए देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं। पहला हेडिंग बनाइएगा फ़ोन कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, ये पहला हेडिंग आपका बन जाएगा। लिखिएगा यू आर इजिली कॉल, यानी कि आप लोग या हम लोग, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं कि आप लोग ईजिली कॉल कर सकते हैं, आसानी से ईमेल भेज सकते हैं या सेंड टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं टू योर फोन कॉन्टैक्ट्स, अपने मोबाइल फ़ोन से, यानी अपने कॉन्टैक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे यू आर ईजिली कॉल ईमेल सेंड टेक्स्ट मैसेज टू योर फोन कॉन्टैक्ट्स, यू कैन आल्सो लर्न, आप लोग इससे सीख सकते हैं। तो इस तरह आपको क्या करना रहता है, छोटे छोटे वाक्य में करके अपने शब्दों में लिखना रहता है, ठीक है। अब देखिए अगला हेडिंग बनाएंगे गूगल सर्च।
अब गूगल सर्च क्या होता है, जिसे मोबाइल पे आप क्या करते हैं, कोई चीज़ सर्च करना है, जैसे आपको मेरी वीडियो देखना है, यूट्यूब पे क्या करेंगे, लेक्चर बाय फिरदौस डालेंगे, या आप गूगल पे लेक्चर बाय फिरदौस डालेंगे तभी पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगा, या कोई भी चीज़ आपको सर्च करना है तो गूगल सर्च में उस चीज़ को लिखा जाता है जिससे आपके सामने वो पैराग्राफ आ जाता है। देखिए वही होता है गूगल सर्च, गूगल्स सर्च इंजन मिशन इज टू ऑर्गेनाइज द वर्ड्स इन्फॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल, यानी कि गूगल सर्च जो इंजन है, ठीक है, गूगल सर्च जो इंजन है उसमें आप इंफॉर्मेशन हो, वर्ड की कोई भी डॉक्यूमेंट्री हो या यूनिवर्सल में कोई भी चीज़ हो, उसको सर्च करने, उसको देखने में आपके लिए यूजफुल होता है। ये होता है गूगल सर्च के बारे में, एक दो शब्द आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे, ठीक है। देखिए अब अगला हेडिंग बनाइएगा एंटरटेनमेंट, है ना, मतलब एंटरटेनमेंट आप मोबाइल से कैसे करते हैं ये बताइए, कि आप यूट्यूब देखते हैं, कोई पिक्चर हो गया, कोई गाना सुनना है, ठीक है, ये सब क्या होता है, कोई गेम खेलना है तो वो मोबाइल फ़ोन पे आसानी से खेलते हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से होता है, तो क्या होगा, एक इंटरटेनमेंट का साधन हो गया, जिसे अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे देयर आर फ्री एप्लीकेशन दैट प्रूव्ड एंटरटेनमेंट इंक्लूडिंग लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो कॉल म्यूजिक गेम्स एंड सोशल नेटवर्किंग। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन होता है या जो इंटरनेट होता है वो आपको क्या कहते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम आप आदि चला सकते हैं, ठीक है, ये इंटरनेट इंटरटेनमेंट का एक साधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। फिर इसके बाद शॉपिंग लिखेंगे। देखिए आज के ज़माने में वर्तमान समय में देखा जाएगा तो अधिक से अधिक लोग मोबाइल फ़ोन के द्वारा इंटरनेट के द्वारा अधिक से अधिक जो शॉपिंग करना है ऑनलाइन ही शॉपिंग किया जा रहा है। कोई भी सामान मंगाना है तो ऑनलाइन आप अमेजन पे हो, कोई भी कपड़ा मंगाना है, कोई भी चीज़ मंगाना है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, तो वही शॉपिंग मतलब आप ख़रीदारी कैसे कर रहे हैं। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शॉपर्स, ठीक है, यानी कि आपको जो दुकानदारों की जो संख्या है दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। ए मोबाइल फ्रेंडली ऑनलाइन स्टोर ओपेंस योर ई कॉमर्स बिजनेस अप टू दिस होल न्यू डेमोग्राफी, इस प्रकार से आपको लिखना रहता है, ठीक है। देखिए अब अगला हेडिंग बनाएंगे साइबर क्राइम क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइबर क्राइम क्या है, देखिए साइबर क्राइम का मतलब होता है कि आप दूसरे की इच्छा के अनुसार, ठीक है, इच्छा उसका इच्छा के अनुसार आप क्या करेंगे, उसकी इच्छा नहीं भी है फिर भी आप उसके मोबाइल को हैक कर ले रहे हैं, उसके सब जो पर्सनल डिटेल है उसको आप हैक करके देख रहे हैं, तो होता है साइबर क्राइम, ठीक है। तो साइबर क्राइम में देखिए आप अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे, मोबाइल फ़ोन क्राइम्स आर साइबर क्राइम, यानी मोबाइल फ़ोन के द्वारा जो क्राइम किया जाता है वो होता है साइबर क्राइम। यूज़र मोबाइल फ़ोन फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम सच एज फ्रॉड, यानी फ्रॉड किया जा रहा है, आइडेंटिफाई थेफ एंड चीटिंग, यानी कि मोबाइल के द्वारा आप चोरी चीटिंग फ्रॉड के कार्य किए जाते हैं, ये सभी क्या हो जाते हैं साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं, इसको अपने शब्दों में इस प्रकार से लिखना रहेगा। अगला हेडिंग बनाएंगे इफेक्ट ऑन द ब्रेन, यानी ब्रेन पर इसका इफेक्ट क्या है, जैसे मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो उसको बहुत बड़ा, देखिए मोबाइल फ़ोन चलाने से आपके दिमाग पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, इसके अलावा इसका कुछ लाभ भी है कुछ हानि भी रहता है, जिसको अपने शब्दों में यहाँ पे लिखेंगे कि द डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रेन एक्टिविटी कुड इम्पेयर चिल्ड्रेंस लर्निंग एबिलिटी कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड अदर बिहेवियर्स प्रॉब्लम, उसके बिहेवियर हुआ या उसके ज़्यादा मोबाइल जो चलाते हैं व्यक्ति उसको क्या चिड़चिड़ापन होता है, दूसरे व्यक्ति से क्या नाम है कि वो एक दूसरे संपर्क नहीं बना के रखते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या होता है इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसको अपने शब्दों में इस प्रकार से लिख लेंगे। देखिए जो इम्पोर्टेंट आपका आर्टिकल था, ठीक है, ये आपको आर्टिकल बताए हैं तो ये आर्टिकल आप ज़रूर तैयार कर लीजिए, इस प्रकार से कोई दूसरा भी आर्टिकल देता है तो जैसे समझाएं उसी तरह आप यहाँ पे हिंट्स दिया रहेगा, हिंट्स में आप उसको क्या कीजिएगा हेडिंग बनाइएगा, अपने शब्दों में छोटे छोटे शब्द वाक्य बना के आप उसको लिख दीजिएगा, पूरे के पूरे 6 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।